अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो आप लोग? तो जैसा कि PSL शुरू हो गया है, आज PSL का पहला मैच था, तो मुझे उम्मीद है सब लोगों ने देखा होगा। तो ज़रा मैं इससे बात करना चाह रहा था थोड़ी सी, कि भाई मैच माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हुआ। PSL सरमनी, PSL का आगाज़ बहुत अच्छी तरह हुआ, लेकिन जो हम पिशावर फिल्मी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने टाइटल का जो है फर्स्ट दिफाई अंदाज मतलब अपने टाइटल का दिफा करेगी अपने पहले मैच को जीत के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला मैच मुल्तान सुल्तान का हमें देखने को मिला, लेकिन अब देखें किस जिस तरह अभी ये लोग खेले। मुल्तान सुल्तान माशाल्लाह से बड़ी अच्छी टीम है। संगाकारा बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए, संगाकारा अच्छी फॉर्म में नज़र आया, और उनके जो खिलाड़ी हैं बाकी वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग अच्छी हुई, बस कहीं कहीं मिस फील्ड कर चुके थे। वो पिशावर जलमी के साथ थोड़ा मसला ये हुआ कि उनके पास अब आफरीदी नहीं है। अब उनके पास ज़रा आफरीदी नहीं है, तो आफरीदी की कमी बड़ी महसूस हुई पिशावर जलमी को। डेरिन सैमी बड़े गुस्से में नज़र आए, बड़े मायूस थे आखिरी के लम्हात के मैच में। एक बहुत अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ मैं बात करता हूँ हमाद आजम की। उन्हें थोड़ा अपनी बॉलिंग पे काम करना चाहिए। जिस तरह वो आते ही पहले ओवर में पिटे और उनको रन्स जो पड़े हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉलिंग को दुरुस्त करें, थोड़ा उसमें सुधार लाएं। अच्छे ऑलराउंडर हैं। संगाकारा की तारीफ करना चाहूँगा। संगाकारा ने अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद शुएब मलिक आए, उन्होंने बहुत अच्छा टीम को लेके चले। कैप्टन है मुल्तान सुल्तान के, तो आई होप कि बाकी टूर्नामेंट भी ऐसे ही चलेगा। तो ये था मेरा रिव्यू था मेरा एक मैच के हवाले से, एक छोटा सा क्लिप, छोटा सा डिस्कशन थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वैसे शेयर करने वाली वीडियो तो मेरे ख्याल ये नहीं है, लेकिन फिर भी, और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी मैचेस पे भी मैं बात कर सकूँ।